गालिब को समझने के लिए हमें रोशनी की ज़रूरत है। समझ नहीं आता तो दो गुना मज़ा आता है। मिर्ज़ा गालिब जब समझ ना आए तो उसका दुगना मज़ा आता है। कौन जाने कि खुद को जानने, अपने शहर और अपने दौर की यादों को टटोलने की ये ख्वाहिश क्यों कर पैदा हुई। जिस्म छूट गया पर यादें नहीं छूट रही। जिस शहर में कोई 60 बरस जिंदा और 150 बरस मुर्दा गुजारे हों, उसकी दास्तानें यूं ही नहीं जाती। लगता है कब्र मेरी रफ्तार की वो मंजिल थी जहां मुझे खुद से मिलने का मौका मिला। शायद इसी वजह से अपनी दिल्ली की तरह हमेशा शिक्षतों के बोझ से ही दबा रहा। बहुत से तकलीफ ज्यादा लोगों की तरह मैं भी अपने दौर की हलचलों का गवाह ही नहीं बल्कि उनके असर के जेरे साया रहा। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। आ गया थी हाले दिल पे हंसी, आ गया थी। बली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा। अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मिमियाने की आवाज, इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है। एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, अस्त उल्ला खां गालिब का पता मिलता है। एक दफ़ा का वाक़या है, वो अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे बाहर दालान में। एक गधा आया और आम के छिलके को सूंघता हुआ आगे बढ़ गया। उनके दोस्त ने कहा
जो आम पसंद नहीं करते थे, कि देखा गालिब गधे आम नहीं खाते। तो गालिब ने कहा जी हाँ गधे आम नहीं खाते हैं। तो इस तरह से लफ्ज़ों से खेलना ये गालिब की खसूसियत थी। सात बच्चे फौत हो गए, पेंशन नहीं मिल रही, मगर इस सब के बावजूद भी गालिब हंस रहे थी, खेड रहे थी, अपने दोस्तों नाल मजाक कर रहे थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि जो गालिब का एक दोस्त जो दिल्ली च नहीं रहा उन्होंने मिलन आ दिल्ली, तो वह दिल्ली च आके गालिब न कहता है कि गालिब मियाँ तुम्हारी दिल्ली में गधे बहुत है। तो मिर्जा कहते हैं कि हाँ बारहों आ जाते हैं। एक दफ़ा का एक होर किस्सा है, जो गालिब ने अपनी ही मौत की तारीख खुद उदा क्याफा लाया कि मैं फलां फलां सन में मेरी मौत होएगी, पर होया है कि जेड़े सन का गालिब ने अंदाजा लाया सी उस सन में वबा फैल गई, महामारी फैल गई, पर गालिब बच गए। तो गालिब बच गए तो उन्होंने इस पर भी तंज किया, वो कि वो ये देखिया रब मैनू खास समझदा है। जीस्त दी लज्जत ता जिंदगी पर हासिल ना हुई, पर मरण दा इंतजार एक दिन जरूर खत्म हो गया। फरवरी दा महीना सन 1869 ते तारीख सी 15। यही वो दिन सी जिथे मैनू जिंदगी भर दियां तमाम दुश्वारियां तो निजात मिली और हसरत तामीर भी पूरी हो गई। यानी अज़्द उल्ला नू कबर दी शक्ल च ही सही, पर दिल्ली च खुद दा एक टिकाणा मिल गया आखिर। हुण दिल्ली दे मशहूर मोहल्ले बल्ली मरान दी उन्नी ही मशहूर गली गली कासिम जान दे एस बाशिंदे गालिब दा नवा टिकाणा सी, लोहारू खानदान दा कब्रिस्तान, सुल्तान जी 64 खंबा निजामुद्दीन। इस तरह लगता जिमें गालिब कह रहे होन कि ओही निजामुद्दीन जिथे हज़रत महबूबे इलाही हजूर निजामुद्दीन औलिया का आस्थान है। ये दरगाह सूफियाना मरकज़ है जिथे दिन रात ज़ियारीन आके सजदा करते हैं। जदों कोई भुलिया भटकिया मेरी कबर ते आ जांदा है ते मैनू अपने होण दा अहसास हुंदा है। सच तो यही है कि इस कबर ने मेरियां नाकामियां नू ढक के रखिया। निजामुद्दीन औलिया दी दरगाह शुरू तो ही लोकां दी पनाह दा आसरा रही। जे गालिब नूं वी मरण तो बाद यह आसरा मिल गया तो यह सच हैरानी वाली गल की है। वैसे तमाम उम्र मैं इस दिल्ली का बाशिंदा रहा, पर दरगाह तक कदे कदम नहीं सी उठे। आखिर मरण तो बाद फिर जदों मजहबे मुहब्बत की इबादतगाह तक लियाया गया तो इस नूं मैं बड़े नज़दीक तो जानिया। गालिब की एक आदत सी कि वह किताबा घर जमा नहीं सी करते, किताब एक लियाए उन्होंने पढ़िया तो वापस कर दी। दूसरी गल ये कि गालिब की एक होर आदत सी कि जो रात को जो उन्होंने जहन च कोई शेर आ गया, कोई गज़ल आ रही है, तो वह नाड़े की गठ मार लैणगे, अपने नाले की गठ मार लेंगे, उन्हें नोट नहीं सी करते उस शेर को। तो अगले दिन सवेरे उठ के देखो उन्होंने मैमरी कितनी शार्प होएगी कि उन्होंने ये शेर याद रहा, नाले की गठ खोलते तो फिर उस शेर को नोट करते। कि लोग मिर्ज़ा गालिब को जाने बगैर अपनी अपनी राय देते हैं। ही वॉज वेरी सिंपल। मैंने उसे पढ़ा तो है, जिसे कहते हैं थारोली, और मिर्ज़ा गालिब का दीवान मेरे सरहाने रखा है। आप कहेंगे सारा दिन उसे ही पढ़ते,
ना, फिर भी जब जी चाहे मैं उसे खोलता हूँ, पढ़ता हूँ। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पोइट, ही वॉज ए ग्रेट मैन ऑल्सो। ही वॉज ए ग्रेट मैन, ना होता मैं तो क्या होता, अगर मैं ना भी होता तो फिर क्या होना था। अपनी तारीफ खुद नहीं करता था वो कभी भी। दिल्ली हिंदुस्तान दे आसमान दा चमकदा सितारा होण दे नाल नाल शानो शौकत ते गंगा जमुना दी तहजीब दा मरकज भी है। एथों दी गलियां ते कुंचे इस दी बेरहम सच्चाइयां दे गवाह ने। एथों दे शायरां ने दिल्ली बारे जिन्ना जज्बाती होके लिखिया ओह पढ़न नालों ज़्यादा किते महसूस करन दी शाय है। जिवें बहादुर शाह जफर लिखते ने कि ए वाए इनकलाब जमाने के जोर से दिल्ली जफर के हाथ से पल में निकल गई। तारीख महज बादशाहों किलों राज दरबारों के किस्से कहानियों उनकी जीत हार और बहुत से बेवजह अफसानों का दस्तावेज ही नहीं होती। तारीख में हमारे जैसे बेशुमार लोग और गली मोहल्ले भी शामिल होते हैं जो अपने अपने अफसानों के किरदार खुद होते हैं। ऐसे लोगों की दास्तानें भले ही तारीख का हिस्सा न बनती हों मगर तारीखों को बदलने की ताकत इन्हीं के पास होती है। बहरहाल तारीख में दर्ज होने की कोई बड़ी ख्वाहिश तो न थी, तेगो तलवार मेरे इल्म में न थी, बस आहिस्ता आहिस्ता एक शायर के तौर पे अपने किरदार को ढालने की कोशिश कर रहा था। गालिब दे दादा कोकान बेग नू हिंदुस्तान दी सरजमी ते पैर जमाउण दे विच कुछ ज़्यादा मुश्किलात दरपेश ना आईयां। दरअसल गालिब दा पुराना नाता ईरान दे नाल सी जिथों दे बादशाह जमशेद ते फरीदू सन। फिर कुछ इस तरह दीयां घटनावां होईयां कि पूरे दा पूरा खानदान तुर्किस्तान शिफ्ट हो गया। तुर्किस्तान जाके तुरानी नाम दा एक नवा निज़ाम इन्हां ने स्थापित कीता। उत्थे जाके अफरासियाम नाम दा एक पहला बादशाह सी जो ईरान नू हराउंदा है, ईरान नू अपने कब्जे च कर लैंदा है। और फिर सालां दौरान बड़ी सारी उथल पुथल होई और इन्हां ने सैलजुगी नाम दा एक खानदान स्थापित कीता। फिर समा बीतदा रहा, उस तो बाद मिर्जा गालिब दी अपने दादा कोकान बेग नाल कुछ इस तरह की ना इतफाकी हुई कि उन्होंने समरकंद नू छड़ के लाहौर आउण दा फैसला कर लिया। और लाहौर आके वो एक सेना दे विच एज अ सेनापति उन्होंने नौकरी कर ली। इसी बादशाह दी फौज विच मेरे दादा नू रिसालेदार दा ओहदा हासिल होया सी। 1712 विच सिखां दे नाल होई जंग विच शाह आलम ने लाहौर विच वफात पाई। उन्हां दे मुर्दा जिस्म नू दिल्ली लियाया गया ते कुतुब साहब दी दरगाह ते दफन कर दिता गया। गालिब के यहाँ कुछ मेहमान आए, रात का वक्त हो गया। गालिब शमा लेकर जूते जहाँ रखे जाते वहाँ पर गए। उनके अहबाब ने कहा कि गालिब साहब आप तकलीफ़ नहीं कीजिए, मैं अपने जूते पहनकर चला जाऊँगा। लेकिन गालिब तो बहरहाल वज़ादार इंसान थे, वो लेकर गए लेकिन जुमले कहते हुए गए कि मैं इसलिए नहीं शमा ला रहा हूँ कि आप अपने जूते पहनकर जाइए, मुझे ये खौफ है कहीं आप मेरे जूते पहनकर नहीं चले जाइए। तो ये गालिब के लतीफ़े का मामला था। और एक बार गालिब के एक शागिर्द थे, वो आए और वो गालिब का पैर दाबने लगे। तो गालिब ने कहा मियाँ तुम सैयद हो, ये मुनासिब नहीं है कि तुम हमारे पैर दाबो, तुम बड़े ख़ानदान के हो, तुम छोड़ दो। तो नहीं नहीं मुझे दाबने दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दाबोगे तो मैं तुम्हें उजरत दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मेरी आप खिदमत करने का मौका दीजिए। वो पैर दाबने लगे। पैर दाबने के बाद शोखी से उन्होंने कहा कि भाई गालिब साहब आप मुझे उजरत दीजिए। उजरत कैसी, तुमने मेरे पैर दाबे, मैंने तुम्हारे पैसे दाबे। ये और इस तरह से गालिब आम ज़िंदगी में
रहते थे और दोस्त अहबाब से गुफ्तगु करते थे, उनकी बजला संजी, उनकी खुशगुफ्तारी और उनकी अच्छी गुफ्तगु के हर कोई कायल थे। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब नू लैके कई लोगों ने काफ़ी कुछ कहा तो उन्हां दी खासी आलोचना भी हुई है। तो जदों भी गालिब की तनकीद हुंदी है तो सब तो पहली गल जो फड़ी जाती है वह है कि उन्होंने 1857 की जंग वेले कोई नारा बुलंद नहीं किया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। पर इत्थे एक गल होर ख्याल रखनी बनती है, वो ये कि ये उही शख्स है जिसके घर 7 बच्चे पैदा होए तो उन्हां विच्चों एक भी बच्चा 1.5 साल की उम्र भी भोग नहीं सकिया। तो मैं समझदा कि गालिब तो ये उम्मीद रखनी कि वह दलेरी विखाए, नारे बुलंद करे, बगावत करे, ये सरासर ज्यादती है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर हो जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, खाक हो खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर हो सर होने तक। दरअसल अपने बाप शाहजहां नू कैद विच डक के पाइयां दे कतल करवा के औरंगजेब ने जदों मुगल सल्तनत संभाली ता उस दी उमर महज 40 साल सी। फिर एक परी फुली बादशाहत इस शहजादे नू हासिल हुई। अपनी हुकूमत दे शुरुआती 20-30 साल असल शांति नाल उसने बतीत कीते, पर आखरी 20 साल नवी नवी मुसीबतां नाल दो-चार होना पिया। मजहबी कट्टरता ने औरंगजेब नू काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजा ए होया कि जिन्नी मजबूत सल्तनत मिली सी उन्नी ही कमजोर हालत विच ओ उसनू छड़ के गया। औरंगजेब दा कबर च जाना सी कि उस दे पुत्रां च खाना जंगी छिड़ गई। खानदानी जंग विच शहजादा मौजन ने परावां तों फतेह हासिल कर लई ते शाह आलम गद्दी ते बैठ गया। एसी बादशाह दी फौज विच गालिब दे दादा नूं रसालेदार दा अहुदा हासिल होया सी। 1712 च सिखां दे नाल होई जंग विच शाह आलम ने दुनिया तों कूच कर लिया सी। मुर्दा जिस्म नूं दिल्ली लै के आया गया ते कुतुब शाह दी दरगाह विच दफन कर दिता गया। हुण तक गालिब दे दादा कोकान बेग दे पैर हिंदुस्तान दी सरजमी ते जम चुके सी। कोकान बेग दा इस दुनिया तों रुखसदी दा कारण बेशक कोई भी रहा होवे, पर जदों गालिब सिर्फ ते सिर्फ 4 साल दे सन उस वक्त उन्हां दे 2 भूआ ते 2 चाचे जिहड़े सी उह इस जहान तों कूच कर गए सन। जिद्दां ही गालिब दे जिहड़े दादा ने कोकान बेग इस दुनिया तों रुखसती लैंदे ने, उन्हां दे नालों नाल पिहासू दी जमीन भी चली जांदी है। गालिब होरां दी घर दी फाइनैंशियल कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा चंगी नहीं सी। पिता अब्दुल्ला बेग दा जन्म दिल्ली च ही होया और पैदाइश बेशक दिल्ली दी होवे पर उन्होंने आसे पासे होर इलाकियां दी खाक बहुत छाणी। इतफाकन उन्होंने फौज दे विच नौकरी मिल गई, फिर वह हैदराबाद चले गए। बाद विच ओह अलवर दे राजा बख्तावर सिंह दे रसाले दे विच जगह एक हासिल कर लैंदे हैं और एक दिन इस तरह की खबर आउंदी है जिस नाल सारा घर हिल जांदा है। गढ़ी की लड़ाई के गालिब के पिता अब्दुल्ला बेग
गोली का शिकार हो गए सन। गालिब को महज उर्दू ज़बान का शायर कहना कतन मुनासिब नहीं है। गालिब ने फ़ारसी में भी शायरी की, बल्कि गालिब को अपनी फ़ारसी शायरी पर नाज था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते थे कि हमारी फ़ारसी शायरी की वो कदरदानी नहीं हुई। और ये भी कहा जाता है कि अगर गालिब ने जितनी शायरी फ़ारसी में की और उतनी उर्दू में करते तो पता नहीं और कहाँ होते। बहरहाल तो गालिब की दुनिया पूरी दुनिया थी, यानी कि उसे सिर्फ किसी एक खाने में क़ैद करना, एक दुनिया में आबाद करना कि गालिब उर्दू के शायर थे, ये मुनासिब नहीं है। कोई भी शायर किसी अपने अहद का नहीं होता है, किसी एक ज़माने का नहीं होता है, किसी एक समाज का नहीं होता है। और गालिब के यहाँ जो अनासिर पाए जाते हैं वो उस ज़माने के तमाम शुरा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं कह सकता हूँ कि हमें नाज है कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़े बड़े शायर दिए हैं। दूसरी गल यह है कि उदों देखो गालिब दे जिहड़ी माशी हालत सी वह बेहद नाजुक सी, उन्हां नूं पेंशन नहीं सी मिल रही, पेंशन लई उन्होंने दर दर भटके धक्के खाए, बंगाल तक गए, पर उत्थों भी कुछ उन्होंने खास हाथ नहीं लग्या। तो जो उन्होंने कुछ हाथ लगता भी सी तां रकम उन्होंने कट कटा के मिलती सी जिहड़ी अद्धे तों अद्धी मिलती सी। मिर्ज़ा गालिब एक जगह ते लिखदे ने कि एक वार अलवर जांदे वक्त वालिद ने मैनू बुला के कुछ हिदायतां दित्तियां सन। मेरी उम्र कुछ 5 वरे रही होएगी। शाम दा वक्त सी, मैं अपने दोस्तां नाल बंटे खेड रहा सी। अचानक अब्बा दा बुलावा आया। मैं घर जाके वेख्या अब्बा जाण दी तैयारी कर रहे सन। फिर मैनू कोल बिठा के मुहब्बत नाल बोले, बरखुदार मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसको समझने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, लेकिन वक्त की रफ्तार बड़ी तेज होती है। आज छोटे हो तो कल बड़े भी हो जाओगे। खेलने कूदने के साथ थोड़ी दुनियादारी की समझ भी हासिल करो। जिंदगी के रास्ते बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं, इन पर एहतियात से चलना सीखो। वक्त का सही इस्तेमाल अभी से सीखो। मैं तो एक सिपाही हूँ, ना जाने कब दुनिया से कूच कर जाऊं। ऐसे हालात में अपना और अपने अम्मी का सहारा तुम्ही को बनना है। वालिद साहब जिदा ही इस जहान चो कूच कर देने, गालिब ते उसके भरा अपने चाचा नसरुल्ला बेग की सरप्रस्ती चा जाते ने। नसरुल्ला बेग उस वक्त मराठिया की फौज के सूबेदार सी। जाहिर जी गल है कि रुतबा बहुत ही आला सी, पैसे चंगे कमाते सी। जदों भी वह घर आते गालिब होर वास्ते बड़े सारे तोहफे लैके आया करते सन। गालिब तो उसके भरा की तरबियत बड़े कमाल की हो रही सी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा सी। एक दिन नसरुल्ला बेग का भी इंतकाल हो जाता है, घर फिर तो दोबारा खिंड जाता है, जिमें गालिब के वालिद साहब जदों इंतकाल फुरमा जाते ने उस वक्त होया सी। पर इस दरम्यान उन्हों की जिंदगी दे विच एक उमदा उस्ताद अब्दुल समद आते हैं। इन्हों का जिंदगी दे विच आना होंदा है कि गालिब की जिंदगी बदलन लगती है। उस्ताद साहब नू फारसी ते पारसी दियां किताबां पढ़न दा बड़ा शौक सी, घंटियां बद्धी इन्हां दियां डिस्कशनस चलिया करदियां सी। उन्हूं शायरी का भी शौक सी। इत्थों गालिब की जिंदगी दे विच हौली हौली शायरी की एंट्री होंदी है, गालिब शायरी करन लगते ने। फिर समा बीतदा जांदा है, गालिब जिहड़े ने ओह बड़ियां सारियां महफिलां दा मुशायरियां दा हिस्सा बनन लग जांदे हैं। पर हाले सिर्फ वो समा सी जदों ये मुशायरियां च जाके पढ़िया नहीं सी करदे, सिर्फ स्रोतियां दी हैसियत नाल उस दे विच इन्हां दी एंट्री होया करदी सी, शमूलियत करिया करदे सन। गालिब दी उम्र महज 13 साल सी जदों चाचा नसरुल्ला बेग दे साले लोहारू नवाब अहमद बख्श खां दे छोटे भरा मिर्जा इलाही बख्श की 11 साल की बेटी उमराओ बेगम दे नाल व्याह हो गया। वह लखनऊ दे शाही घराने तो सन। अजिहे च मिर्जा गालिब की हैसियत काफ़ी कमजोर सी। बादशाही का अगर ये हाल हो गालिब तो क्यों ना दिल्ली में हर चीज़ हम नवाबी करें। दिल्ली विच गालिब कहिंदे ने कि मेरा आना एक शहर बदलना पर सी, पर जदों गालिब दिल्ली आए तो उस वक्त मुगलिया सल्तनत का
आखिरी दौर चल रहा सी, अंग्रेज़ों का इनफ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया सी, अंग्रेज़ हकूमत नामो निशान मिटाने ते लगी सी, उस सिक्क्यां तों हर चीज़ तों मुगलिया सल्तनत दे नकूश खत्म करन ते लगी हुई सी। बादशाह नूं हर एक किस्म दीआं फैसिलिटीज़ तां सन, पर उन्हां नूं लाल किले तक महदूद कर दिता गया सी। पर बादशाह तां बादशाह ने, बहादुर शाह जफर नूं चंगा संगीत सुनना पसंद सी, कली शायरी पसंद नहीं सी, मुशायरी करवाना पसंद नहीं सी, वो होर भी बड़िया सूखम कलावां दे कदरदान सन। उन्हां नूं कुकिंग अच्छी लगती सी, वह अच्छी शायरी तो सुनते ही सी, जिहड़े लोग बहुत वधिया गाउंदे सन उन्हां दी बड़ी कदर करिया करते सन, नालों नाल वह बागबानी दे शौकीन सन। सो मुशायरे जदों कराया करते सन तां गालिब दा उन्हां मुशायरियां दे विच आउणा जाणा हो गया सी। गालिब कदे कदे उत्थे कुछ पढ़दे भी, हाल दी कड़ी तां गालिब दा कोई जिक्र नहीं सी हुंदा, पर जदों जिक्र हुंदा भी सी तां उदों भी हेटर्स होया करदे सी। वह अक्सर कहिंदे सी कि गालिब इस तरह दा लिखदे ने जिहड़ा कि बड़ा औखा है, जिहड़ा कि समझ नहीं आउंदा, गालिब दी जबान जिहड़ी ओह बड़ी टफ है। गालिब दी खासी क्रिटिसिज्म होई, कईआं ने किताब भी उन्हां दे खिलाफ शाया करवाई, पर गालिब ने इसदा कदे कोई जवाब नहीं दिता। जदों पर फिर भी गालिब नूं पुछया गया तां उन्हां ने सिर्फ इन्ना कहा कि देखो जे गदा तुहाडे लत्त मारे तां तुसीं की कर सकदे हो। गालिब दा शेर है, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। मतलब कि ना तो मैनू तमन्ना है किसी तारीफ की, ना मैं किसी नतीजे तो डरदा, तो जे तुहानू मेरे शायरी विच मेरे शेरां विच कोई मतलब नहीं दिसदा ना सही। अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मजा करने का जब है एक कहे और दूसरा समझे। कलाम मीर समझे और जबाने मीरजा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे। बादशाह दी ताकत नू रफ्ता रफ्ता खत्म कर रहे सन, सिक्कियां तो उन्हां दा नामो निशान मिटाया जा रहा सी, लेकिन बादशाह तो बादशाह सी, शायरी दे शौकीन ही नहीं बकायदा शायरी करन वाले। मगर बादशाह दी हुकूमत किले दी चार दीवारी तक महदूद हो गई सी, ते इस तरह दी कमजोर बादशाह च कोई भी उम्मीद पैदा होना मुश्किल सी। वैसे तो गालिब दा जिक्र ना हुंदा, जेकर हुंदा भी तां कहा जांदा कि गालिब बड़ी मुश्किल जबान च लिखते ने, इस तरह का लिखते ने जिसनों पढ़ के समझ तक नहीं आती। गालिब उर्दू जबान के शायर थे ये बिल्कुल कहना मुनासिब है, लेकिन उनकी पूरी शायरी जो है हिंदुस्तानी रंग में रंगी हुई शायरी थी। हम सभी जानते हैं कि गालिब ने पहले फ़ारसी में शायरी की, और वो फ़ारसी शायरी का सरमाया उनका बहुत ज़्यादा है, और उन्हें अपनी फ़ारसी शायरी पर नाज था। लेकिन उर्दू ज़बान जो थी वो उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की इस तरह से ज़बान थी कि आम आवाम की ज़बान थी, और इस ज़बान में जब शायरी गालिब ने शायरी शुरू की तो ये उनकी गज़लें जो हैं आम आवाम में फली फूली। गली कासिम जान दी जिस हवेली च मैं रहा करदा सी, दरवाजे ऊपर ही मेरी बैठक होया करती सी। उस बैठक च बिल्कुल सटी हुई एक कोठड़ी सी, जिसका दरवाज़ा इन्ना निक्का सी कि अंदर चुक के जाना पिया करता सी। कोठड़ी च एक दरी विछी रहती सी, दिन दा वक्त इसी कोठड़ी च गुजारिया जाता। रमजान दा महीना सी, मैं एक दिन एक मिलन वाले नाल चौसर खेड रहा सी। अचानक मुफ्ती सरदुद्दीन कोठड़ी च आ गए, बैठन तो पहला ही बोले, हमने सुना था कि रमजान के मौके शैतान कोठड़ी में कैद रहता है, मगर आपको इस महीने में चौसर खेलते देखा तो लगा कि शायद हमने पढ़ने में कहीं गलती कर दी होगी। गालिब बोले कि आपने ठीक पढ़ा था, दरअसल शैतान जहाँ कैद रहता है वो यही कोठड़ी है। उठ के जान लई खड़े हो गए, जांदे जांदे कहा कि आखिर पटियाला जान दी नौबत आ ही गई। मिर्जा साहब बोले कि आखिर तुहानू भी खबर मिल ही गई। किले का वजीफा बंद हो गया सी, अंग्रेज़ों की पेनशन बहाल नहीं सी हो रही, आमदनी का कोई जरिया नहीं सी, हुण इस दे चलदे आ कुछ ना कुछ तो करना ही सी। गालिब यह डिसाइड करते हैं कि वह पटियाला शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे, पर उन्होंने एक दोस्त ने सलाह दी कि उसनों नवाब रामपुर नाल इस मुतालिक गल करनी चाहिए है। हुण गालिब उन्होंने एक खत लिखते ने,
16 जुलाई 1959 नूं उन्हां नूं इस खत दा जवाब आंदा है। 100 रुपए की पेनशन या वजीफा तय कर दिता गया सी। यकीनन यह खबर राहत भरी सी। हुण उधरों अंग्रेज़ां दी पेनशन बहाल होण दी आस भी सी। सो इस करके गालिब ने पटियाला जाण दा इरादा अपना कैंसल कर दिता सी। दुनिया भर दे विच मिर्ज़ा गालिब की शायरी ही मशहूर नहीं बल्कि गालिब दे खतूत दी भी बड़ी चर्चा है। उन्हां दा खत लिखण दा बड़ा ही वखरा अंदाज सी जिस तों लोक मुतासर होए ते हौली हौली ए खत लिखण दा तरीका एक परंपरा बन गई। ऐसा लगता था कि वो आम गुफ्तगू करते थे और जब से गालिब के खतूत आए उस वक्त से उर्दू में नसर की एक नई जहात शुरू हुई और उर्दू नसर जो है एक नई दुनिया में आबाद हुई और जो अलकाब आदाब वाली दुनिया थी, मुकफ़ा मुसज्जा वाले बारते थी, जो तकल्लुफ़ वाली दुनिया थी, उससे निकल कर गालिब हमें बेतकल्लुफ़ में ले आए। ये बहुत बड़ी देन है कि गालिब ने, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो आम तौर पर जो उर्दू जो है बहुत शर्फा की ज़बान बनी हुई थी, गालिब ने उसे अवाम के दरमियान लाकर एक अवामी ज़बान बना दिया जो आम गुफ्तगू ऐसी हो जिसे हर कोई समझ सके। और गालिब की नसर जो है उनकी शनाख्त की एक बहुत बड़ी वजह है और उस नसर से उर्दू में एक नई रवायत का आगाज़ होता है और एक नई दुनिया बसती है। गालिब के खतूत को बहरहाल किसी तौर पर भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस दे अलावा देखो, एक दफ़ा ये होया कि गालिब दे घर जिहड़े अंग्रेज़ी हुकूमत दे सिपाही सी वह आउंदे ने ते सारा जिहड़ा गहना गट्टा जो गालिब ने छिपा के रख्या होया सी धरती खोद के उन्होंने ते उन्हां दी बेगम उमराओ ने वो खोद के लै जाते हैं। उस वेले गालिब ने ते उन्हां दी बेगम ने जिहड़े घरे जिन्ना भी कपड़ा सी उन्हूं वेचिया ते अपनी रोटी दा इंतज़ाम किया। उस वेले गालिब ने कहा कि जिवें लोग रोटी खांदे सी ते मैं कपड़ा खांदा सी। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है। गालिब की मौत 15 फरवरी 1969 नु हुई। क्या है आखिर इस दर्द की। उन्हां दी मौत दे ठीक 7.5 महीने बाद भारत दे पछमी छोर ते मोहनदास करमचंद गांधी दा जन्म होया। गालिब दी मौत एक युग दा अंत सी ते गांधी दी जन्म तिथि भारत दे आउण वाले कल दा एक नवा साक्षी। ज़बान रखता हूं। गालिब एक खत्म होंदी जा रही सभ्यता है। गालिब ने तलवार दी जगह कलम थाम रखी सी। कुल मिला के गुजारे दा रस्ता पेंशन ही सी। अड़चना एनिया आईया कि जिंदगी दुश्वार बनी रही। गालिब दी आर्थिक ते मानसिक दशा नूं उना दे युग विच जाके ही समझा जा सकता है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है।